पेंदे ने जमीन ते उतर के घोड़ा छड़ दिता, छाल मार के थले उतर गया। अपने म्यान च खंडा तो पहला ही खिंचया होया सी इहने, ते गुरु साहब दे नेड़े आके ना छेवें पातशाह महाराज दे बड़ा जोर दा खंडे दा वार कीता। उन्हें पूरी ताकत ला उत्तों लिया के वार खंडे दा छेवें पातशाह ते कीता है। उन्हें सोचा भी पट दे उत्ते तलवार वजेगी, पट वड्या जाएगा ते थले डिगण के मैं फड़ लांगा। ए सोच के उन्हें अपनी खंडा जड़ा सी ना ओ महाराज दे पट ते मारिया। उत्थे उधरों पेंदे दी तलवार आई जिथे पट ते आउणी सी, गुरु साहब ने अगे रकाब कर दित्ती, बहुत मेटल दी बनी हुई, ओदे उत्ते खंडा वज्या आके पहला वार खाली गया। एंदे दा गुस्सा होर वध गया। जदों किसे सूरमे दा वार खाली जावे ना ओनू होर ज्यादा चिप चढ़ जांदी है। पेंदे नू होर गुस्सा चढ़ गया, बड़ा बली सी, ओने दूजा वार खंडे दा उबारिया फिर मारन वास्ते। महाराज ने अपने भारे ढाले दे उत्ते ओदा वार रोक लिया। पेंदे दा दूजा वार भी निष्फल गया, खाली गया। महाराज ओदा ही धीरज नाल घोड़े दे उत्ते ओदा ही हौसले नाल इन्ना खतरनाक वार और बंदे दा दिल दहल जांदा माड़े मोटे दा। पर महाराज बब्बर शेर सन छेवें पातशाह फिर छेती नाल उछल के तीजा वार करन दे लई सोचन लगा। पैंतड़ा बदल के फिर दूजे पासे आया, तीजा वार ढाल दे फुल दे उत्ते वज्जा। ढाल दे उत्ते जिहड़े फुल हुंदे ना ओह फुलाद दे सन, ते खंडा वी उहदा फुलाद दा सी। फुलाद नाल फुलाद टकराया ते पेंदे खां दा खंडा टुट के दो हो गया, हाथ विच मुठा ही रह गया तलवार दा। पातशाह घोड़े ते बैठे वेख रहे ने। महाराज सोचदे आ ए खाली हाथ है, ए निहत्थे उत्ते सूरमा वार नहीं करदा। पेंदे दा शैतानी दिमाग भी शस्त्र दी लोड़ ही नहीं, मैं गुरु नूं बाहां नाल ही चक के लै जाणा है। पेंदा खान चौथी बारी औलिया, ओहदे कोल हुण खंडे दा मुठा ही सी, कुछ नहीं सी, ते ओ गुरु साहिब दे खब्बे पासे फिर आ गया। उत्थे ही फिर पहुंच गया पेंदे खान। इरादा कीता भी गुरु हरगोबिंद साहिब दा घोड़ा ही उल्टा दे। किड्डा बली सी के घोड़े नूं एदां चुक के एदां उल्टाण दा इरादा बना लिया। थल्लों दी यानी घोड़े दी अगलियां लत्तां दे पिछे, पिछलियां लत्तां दे अगे, थल्लों दी ढिड दे कोलों दी पेंदे ने अपना हथ पा लिया। दूजा हथ जिहड़ा सी ओने घोड़े दी गर्दन दे उत्तों दी पा लिया। दोवां हथां दी जा के कंघी मिला के एदां दोवे पासों लिया के घोड़े नूं एदां फड़ लिया अपनियां बाहवां दे विच, ते दोवें लत्तां महाराज छेवें पातशाह दीआं ओहदीआं बाहवां दे विच आ गईआं। सो महाराज महाबली छेवें पातशाह नूं सने घोड़े दे सने सतगुरु एदा उलटाना चाहुंदा। पेंदे खान एडा वड्डा बली घोड़ा सी ओनू उत्थे जाम कर दिता, छेवें पातशाह दा घोड़ा हिल नहीं सकिया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने जान लिया भी हुण सानू फड़न लगा है। गुरु साहब ने ना फिर दोवे रकाबां जिहड़ियां ने ना उहनां दी अड्डी घोड़े नूं मारी भी घोड़ा उछले, जदों उछलेगा ते इहदी बाहवां दा जिहड़ा जी पकड़ है ओह खुल जाएगी। बड़ा बली घोड़ा, चंचल घोड़ा, पर साध संगत जी हैरान हो जाओगे तुसी, गुरु साहब दोवां अड्डियां नाल अड्डी मार दे ते पेंदा घोड़े नूं हिलण नहीं दिंदा। गुरु साहब जान गए भी घोड़े दा जोर लग गया, ए हुण घोड़े नूं उलटाण दी कोशिश कर रहा है, हुण इत्थों वार मार दे लगदा नहीं, बिलकुल नेड़े जो आ गया। तलवार उहनूं मारन किवें, तलवार दा वार करन जोगी थां नहीं बची। सोचते हुण समां इहदा आ गया मारना दा, हुण इहनूं पैणा, हुण किहड़े पासिओं मारीए, किहड़े जतन नाल किहड़े वार नाल खतम करिए, इहनूं जंग दे मैदान च रखिए। फिर महाराज दे खब्बे हथ विच भारा ढाला सीगा जिहदा फुल्लां दा ही पंज सेर भार सी। महाराज ने एदां फिर उपर नूं ढाला उछालिया, जोर नाल महाराज ने ढाला जिहड़ा ना ओह पेंदे दे सिर च मारिया। ओह जिहड़ी पकड़ सी ना ओहदी, जिहड़ी घोड़े नूं उहने ग्रिप पाया होया सी, ओह छुट गया ते एदां झूमण लग पिया जिवें किसे ने नशा कीता हुंदा। सिर दी सट लगदी ना जदों उदों चक्कर आउंदा, एदां पेंदे नूं चक्कर आया ते झूम झूम के डिगण लगा। गोड्यां दे भार डिगा गा नूं, इकदम नहीं डिगा, गोडे पहलां जमीन ते गोडे लगे ते फिर डिगा थले, होश होके जमीन ते मूर्छित होके पै गया। धर्म दी जो मर्यादा है जंग दे मैदान विच, निहत्थे नूं नहीं मारना, बेहोश नूं नहीं मारना, डिगे पए नूं नहीं मारना। गुरु साहिब धर्म जान के धरती ते आ गए। 5-7 मिंटां
बाद पेंदे नु होश आए, पेंदे दा जिहड़ा दिमाग दा चक्कर कुछ घटिया, कुछ दिमाग ठीक होया। जदों सामने महाराज खड़े होए नजरी आए, पेंदे नु होश आ गई ते पेंदा खड़ा हो गया। गर्ज के बोले महाराज छेवें पातशाह, कहिंदे सुन रे पठान, ओए पठान पुत्र सुन, देख तू तीन वार पहला कर ले, तू चार ही कर ले, ते हुण वारी मेरी है, हुण सावधान हो जा, हुण वार मैं करांगा, असी करांगे, ते तू साडा वार चल के विखाई। तीन वार कर ले ने जोर ला के, अगो पेंदे खां फेर गुस्से नाल बोलिया, इन्नी उन्हूं अपने आप ते विश्वास सी, कहन लगा तुसी वार करोगे कदों, मैं तुहानू वार करनी नहीं देना, इन्हां डौलियां नाल फड़ के, इन्हां बाहवां नाल जफ्फी पा के चुक के लै जावांगा। गुरु हरगोबिंद साहब जिन्ना कि तुहाडे च जोर है ला लो, हुण मैं तुहानू जिउंदा नहीं छड्डांगा। पेंदा फेर ना अपनी हरकत तों बाज आया, पंजवां वार समझो करन लगा, छेवें पातशाह दे नेत्र लाल हो गए। महाराज पैंतला लै के ओहदे कोल जा पहुंचे, ते ओह भी पैंतला लई जांदा है, हथ विच ढाल है ओहदे, ते गुरु साहब दा वार रोकना चाहुंदा है। महाराज चाहुंदे आ वी वार इको ही मार ना पवे, दूजा वार करिया स्वाद नहीं आउंदा, कहिंदे इको वाला चीर के सुट्टांगे। हुण पेंदे खां ए इच्छा लै के भी गुरु साहब नूं मैं जफ्फी च लैणा ते चुक के लै जाणा। इस तरह सोच के ना ओहने अपनी ढाल भी सुट दित्ती, भी ढाल भी जदों मैं इतना ढाल मेरे हाथ च होवेगी ते फिर मैं जफ्फी किवें पावांगा। हाथ च फड़ी ना, हाथ खाली कर ले, पेंदे खां ने दोवें ही फड़ी, फुरती ना गुरु साहब नूं जफ्फी पाण लगा। गुरु साहब जी मौका पा के बिजली तरह लिशकदी तेग उपर वार लई, महाराज ने बल दे नाल वार के ओहदे सीस ते मोढ़े तों मारिया, वखी तक चीर के लंघ गया, जिवें किसे तरखान ने आरा लैके लकड़ चीर दित्ती होवे। साबण बनाण वालियां कोल लोहे दी इक तार हुंदी है, उह साबण नूं कटदे ने। जदों पेंदा दो टोटे हो के डिगण लगा, ते छेवें पातशाह बोले, पेंदे खान अपने खुदा दा अल्लाह दा नां लै, कलमा पढ़ लै। जदों पेंदा डिगण लगा जमीन ते, दो फाड़ हो गया शरीर, खंडा विचों लंघ गया, छेवें पातशाह कहंदे खाना कलमा पढ़ ला, ते अगों पेंदा की कहिंदा, ए महाराज आ जड़ी तुहाडी तलवार है, तुहाडे हाथ दी किरपान है, तेरे वास्ते यही कलमा है। ज्ञान हो गया साध संगत जी, गुरु घर एक दिन भी कोई आया होवे ना, ओहदे ते भी किरपा हो जांदी है। ए ते महाराज दा पुत्र बनया होया सी, ते महाराज सच्चे पातशाह कहंदे कलमा पढ़ लै, कहंदा महाराज तुहाडे हाथ दी तलवार ही मेरे लिए कलमा है। पेंदे खान निमाणा हो के तां बोलिया, सतगुरु जी तुहाडे हाथ दी मिश्री है, मिश्री तलवार नूं कहंदे मिश्र दी बनी होवे, मिश्र देश दी जिहड़ी कृपान हुंदी नूं मिश्री कहंदे है। श्री गुरु तुमरे पान की मिश्री कलमा जान, महाराज तुहाडी मिश्री तुहाडी तलवार ही मेरे लिए कलमा। दूसरा अर्थ यह है, तुहाडी तलवार मेनू मिश्री तरह मिठी है, मेरा भला करन वाली है। पेंदे दा अखीरला बोल सुनिया, ओह पुत्रां ते प्यों वाला प्यार फेर जाग पिया, फेर सच्चे पातशाह दे मन च मोह जाग पिया। निक्का जा पालिया सी, अणदाड़िया पाल पाल के एडा जवान कीता सी, अज अपने हथी झटक दिता, सच्चे पातशाह महाराज उस प्यार विच आ गए। अपने हथी मुंह च गुरकियां पाईया सी, एदे दो दो मझां दा दुध खोआ मार के नू खवांदे सी सतगुरु, इनू चंगा घोड़ा चंगा शस्त्र चंगी वस्तु दया करदे सन, वधिया पोशाके पवांदे सन, जिस नूं आंध पांदे खाने खवांदे सन, जिस नूं इस नूं अपने दरबार दा शिंगार बनाया सी, जिहड़ा छेवें पातशाह दी फौज च खड़ा होया सोभा पांदा सी, सतगुरु वेख के खुश हुंदे सन, बहुत दान मान दे के रजा के रखिया सी, पुत्तां नूं वध के लाड प्यार कीता सी। ओहदी लाश दे दो टुकड़े वेखे जदों, मेरे पातशाह दीआं कमल वर्गीआं अखां च वैराग दा जल आ गया। पेंदे खां दे शरीर चो पसीना निकल रहा सी, बहुत बड़ा कहर दा सूरज अखीरले सवास सन पेंदे दे, ते गर्मी दे विच तड़फ तड़फ के जान निकल रही सी। पातशाह ओहदे सिर वाले पासे जाके अपनी ढाल दी छां कर दित्ती, जिहड़ी सूरज दी धुप पै रही सी ओहदे तों बचाण लई सतगुरु ओहदे सिर वाले पासे वीर आसन होके बैठ गए, इक गोडा जमीन ते ला के ते उत्ते छां कर
करके पेंदे दे सिर दे उत्ते कोल खड़े ने पातशाह वेख रहे ने ते अखां विचों जल चल रहा अथरू डिग रहे ने ओ महाराज दी अखां दे हंजू पेंदे दे मुंह ते पै रहे ने तड़फदा होया कुछ मिनटां च मर गया पेंदे खान जांदे होए ते कृपा करती पालिया होया सी अपने हत्थी मारता पंज सोचते ने शस्त्र नहीं रखने क्यों अपना पालिया पुत्रां वर्गा जवान मार दिता अज असी इस तरह दी गल्लां सोचदे सतगुरु पर हुण जंग है हुण शस्त्र छड्डिया भी गल नहीं बनदी जंग जारी है रहिंदे होए भी नबेड़ने सन।